लोग जिक्र करेंगे। डार्विन की फीचे, डार्विन की फीचे क्या है जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र में 22 छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है। मित्रों दक्षिण अमेरिका के पास जो समुद्र है सी है, वहाँ 22 छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है। अब देखिए क्या कहता है, जिन्हें गैलो मैपोस द्वीप समूह कहते हैं। 22 छोटी छोटी श्रृंखला है, इन्हें गैलो मैपोस द्वीप समूह कहा जाता है। फिर कहता है इस द्वीप की वातावरणीय अवस्थाओं में अंदर होने के कारण, इस द्वीप में वातावरणीय अवस्थाओं में अंदर होने के कारण यहाँ के जीव जंतु व पादप समूहों में अंतर मिलता है। यहाँ के जीव जंतु व पादप समूहों में क्या मिलता है मित्रों, अंतर मिलता है। फिर देखिए कहता है और चोंच के अंदर ऊपर उठने जैसे परिवर्तन इसे कीट भक्षी तथा शाकाहारी फिच बना देते हैं। बात समझ में आ रही है, शाकाहारी क्या बना दे, फिच बना देते हैं। इसी कारण एशिया एवं यूरोप में मिलने वाले प्राणी अफ्रीका तो पहुंच गए परंतु अमेरिका नहीं पहुंच पाए, इससे निष्कर्ष निकलता है। अब क्या क्या निष्कर्ष निकलता है जरा इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। दरअसल मित्रों निष्कर्ष यह निकलता है, प्रकृति में एक जीव जाति की उत्पत्ति एक बार तथा एक क्षेत्र में होती है। ये बात सही है, प्रकृति में एक जीव जाति की उत्पत्ति एक बार तथा एक क्षेत्र में होती, चलिए ये बात सही है। दूसरी बात क्या कहता है, किसी जाति की आबादी बढ़ने पर इसके सदस्य उत्पत्ति क्षेत्र के चारों ओर फैल जाते हैं। ये बात भी सही है भाई, किसी जाति की आबादी बढ़ने पर इसके सदस्य उत्पत्ति क्षेत्र के चारों ओर फैल जाते हैं, राइट। फिर क्या कहता है, फिर कहता है भौगोलिक अवरोधों से पृथक हुए समान जाति के जीवों में भिन्नताएं मिलती हैं। ये जरा मित्रों ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक अवरोधों से, भौगोलिक अवरोध से जैसे पृथक हुए तो समान जाति के जीवों में भिन्नताएं मिल जाएंगी। भाई पहले तो एक ही थे लेकिन जब पृथक हो गए तो इनके जो गुण थे, आकार थे, रंग रूप, वो क्या हुए, अलग अलग हो गए। यू आर राइट। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात जरा हम लोग यहाँ पे पूरी तरह समझ लेते हैं, हमें ऐसा लगता है हम आपको पूरी तरह समझा नहीं पाए। इस द्वीप की वातावरणीय अवस्थाओं में अंदर होने के कारण यहाँ के जीव जंतु व पादप समूहों में अंतर मिलता है, ये बात सही है। और चोंच के अंदर ऊपर उड़ने जैसे परिवर्तन इसे कीट भक्षी तथा शाकाहारी फिच बना देते हैं। इसी कारण एशिया और यूरोप में मिलने वाले प्राणी अफ्रीका में तो पहुंच गए परंतु अमेरिका में नहीं पहुंच पाए, इससे निष्कर्ष ये सब निकलता है, राइट। और मित्रों आता है इसी में ऑस्ट्रेलिया के शिशुनागी जंतु। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया के शिशुनागी जंतु है क्या, इसका क्या कहना था। ऑस्ट्रेलिया के मूल स्तनधारी प्रोटोथोरिया तथा मेटाथीरिया उपवर्ग के प्राणी है। ऑस्ट्रेलिया में यूथीरिया में वर्ग प्राणी मनुष्य द्वारा लाए गए हैं। स्तनधारियों का विकास, स्तनधारियों का विकास मीसोजोइक महाकल्प के अंत में हुआ, राइट। तो यहाँ पर देखिए मित्रों कह क्या रहा है, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के मूल जो स्तनधारी हैं प्रोटोथीरिया तथा मेटाथीरिया उपसर्ग के प्राणी हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूथीरिया में वर्ग प्राणी मनुष्य द्वारा लाए गए हैं। स्तनधारियों का विकास मीसोजोइक महाकल्प के अंत में हुआ, राइट। अब इसके बाद देखिए मित्रों क्या कहता है, उस समय महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में शिशुधानी तस्मनियन नाघ बिल्ली धारीदार चीटी खोर शिशुनागी चूहा आदि, तो ये सब मित्रों आते हैं ऑस्ट्रेलिया के शिशुनागी जंतु के अंतर्गत। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलना। इसके बाद हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।